वेलकम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मरियम और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मरियम होम कुकिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बाइट्स, जिसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। चिकन है एक ब्रेस्ट पीस, इसको मैंने बाइट साइज में काट लिया था। और अब इसमें जाएगी एक टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन, धनिया 3 टेबलस्पून, इसको भी चॉप कर लिया था, और चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून, विनीगर डालेंगे 1 टेबलस्पून, और सोया सॉस डालेंगे 1 टीस्पून। नमक डाल देंगे टेस्ट के मुताबिक, वो इसको अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 10 मिनट के लिए इसको साइड पे रख देंगे। 10 मिनट के बाद इसके अंदर 1 अंडा और 2 से 3 टेबलस्पून मैदा डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चिकन जो है हमारा मैरिनेट हो गया है, अब हम इसको क्रम्स में कोट कर लेंगे। मैंने जो है ब्रेड के क्रम्स ले ली हैं, अब हम इसको कोट कर लेंगे। एक पीस उठाएंगे और उसको क्रम्स में रख देंगे और उसको अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, इसे लाइक और शेयर कर दें। और अगर आप कोई रेसिपी सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। इसी तरह हम सारों को कोट कर लेंगे। मैंने जो है ये सारे चिकन को कोट कर लिया है, अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसको आपने मीडियम से लो फ्लेम में फ्राई करना है। जैसे एक साइड गोल्डन ब्राउन हो जाए, आप इसकी साइड चेंज कर देनी है। चिकन जो है हमारा दोनों साइड से पक चुका है, अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। सो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे जो चिकन बाइट्स हैं वो रेडी हो गए हैं। आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत ही मज़े के होते हैं। और मुझे बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।